गाय न हो, आपकी गाय न हो, ऐसे गाय को दरवाजे आगे खिलाइए, बोली जख्म है तो मलहम पट्टी कीजिए, मारेगी मारेगी नहीं। जानवर को अगर आप खाना पीना देंगे, जानवर कभी नहीं मारेगा। किसी जानवर को छूना हो उसके पास जाना, पहले कुछ खाने के लिए जाइए, तो वो जानवर समझेगा कि हमारा हमदर्द है, वो फिर नहीं मारेगा। और ऐसे लोग ऐसे छुएंगे तो जानवर की आदत कैसे करता, हमें तो नहीं करता। जहाँ जहाँ से बुलाते हैं, सेवा करते हैं, ये ढक्कन लाए जो है इसको खुजला दें, वही टीन का जो ढक्कन होता है उसी से खुजलाते हैं। ढक्कन से ये पूरा खजवाने से जो महीन महीन लगे होते हैं, देखिए इसकी हड्डी यहाँ उभरी है, इसी मतलब इसकी यही नसल है। कान ये बड़े पड़े झुके हुए, देखिए कान हमने छुआ तो ऐसे ऐसे, ये देखिए अब खुजलाने लगे, जितने खाना बन सकते हैं क्यों, इसको आराम है। खुजलाने से महीन महीन जो कीड़े लगे होते हैं निकल जाते हैं। गाय है ना हमको पहचानती है, लेकिन सेवा करने से सारे जानवर पहचानने लगते हैं। तो अच्छा लगता है जिसकी आवाज़ हो रही है, तो महीन महीन तमाम नीचे गिर रहा है। यही पूजा है हमारे समाज में, वही मंदिर पूजा हवन स्थान है। अरे सब करके तो लोग हैं, लेकिन कुछ दिखाई पड़ा आज तक किसी को, एक मन का भ्रम है। यही पूजा है, सेवा ही पूजा है। सेवा कर दीजिए ना, इसमें कोई की जरूरत ना छत की जरूरत। जोकर मंगा के कना बहुत सस्ता आता है, कना जो चावल से निकलता है ना, जब चावल की कुटाई होती है धान खड़े, ये बड़े बड़े ये बड़े। तो एक बोरे में मंगा लीजिए, 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा, महीनों का फुर्सत। गाय आवे गधा आवे जो दरवाजे आवें उनको आप खिलाइए, 2-4 दिन देंगे तो फर्क जाएंगे, उनको खिला दीजिए तो आपका महाभोज महाभंडारा। आप वो भी ना कर सकते हो तो पानी पिलाइए कम से कम, जैसे पानी का होगा इधर रखा होगा, पानी ही कम से कम पिला दें। दरवाजे उनको वहाँ में कुछ मिलना चाहिए। इसने खाना पीना बंद कर दिया, क्यों इसको इतनी राहत मिल रही है। तमाम हरे पड़े को अगर नहलाया जाए हफ्ते में भी एक बार, कीड़े से निकल जाए। हमारे पास एक एक जानवर है, ये जा रहे हैं मंदिर भोज कर रहे हैं, यहाँ एक आदमी कितना काम कर सकता है, किसको किसको दे। दरवाजे आई, इनको खाने को मिल गया, इनकी सेवा हो गई, पानी पियेंगी चली जाएंगी, कहीं कहीं पास पड़ोस की है आसपास, जिनकी गाय है उनके घर में कितनी बड़ी विपत्ति आएगी वो उसको सोच नहीं सकते। क्यों, एक तो गाय पालिए मत, अगर पालिए तो उसे तकलीफ न हो, उसे खाना पानी सब कुछ मिलना चाहिए। ये देखते हैं बड़े बड़े लगी यहाँ खरीद, हाँ हो ना क्या करीब से जो सुना ही नहीं पड़ता क्या, देखिए कितने बड़े बड़े लगे, देख लीजिए ये सब महीन महीन है, ये बड़े टाइप का, देखिए
कितनी सीधी गाय, एक अपरिचित आदमी उसको ये जानती भी नहीं, आराम से खड़ी खुजरा उसका चेहरे बना, बीच बीच में चेहरे बना और खुजरा और ये हिस्सा इनका मत को मत पकड़िए और कभी 10-5 मिनट की सेवा है। आवे दरवाजे इसे ढक्कन रखिए शीशी के, इसके इसे खुदला दीजिए, चूनी टोकर मंगा के रख लीजिए जो सस्ता मिलता है, केवल ये नहीं कि उसमें वो अरहर और गेहूँ की चूनी हो, ऐसे ही गाय के सेवा करते रहिए तो मुसीबत तो आपके दरवाजे से ही वापस चली जाए। चुनाव में वोट जीतना, वोट ज़्यादा पाना है, इसी गाय की सेवा लोग करें, करामे एक बड़े आदमी हैं नौकर रखिए उससे करवाइए, ऐसे ही जान लो लावारिस हैं, अब लावारिस घूम रहे हैं, इनका कोई सेवा करने वाला नहीं, कहीं ये बीमार पड़ जाए गिर पड़ेंगी, पड़े पड़े इनके कीड़े पड़ेंगे, तलब तलब के जानवर मरता है, उनको कोई इनके करीब नहीं जाता, ऐसे ही गाय की सेवा करें आप, सेवा परमो धर्म हो गया, पाखंड परमो धर्म, सेवा नहीं पाखंड, अंधविश्वास परमो धर्म, अंधविश्वास। और शंकर जी ने सब क्या किया और कौन काम छीनु गाय प्रकट हुई और कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने से क्या होगा, रोटी की कहानी अगर आपको सुना क्या उससे पेट भरेगा आपका, पेट नहीं, रोटी की कहानी सुनने सकता है कि रोटी का जुगाड़ करे, गाय की कथा भगवान की कथा सुनने से अच्छा है कि भगवान का काम करे, आपकी मजदूरी पक्की उसे से आपका भाग्य बनता है और बिगड़ता है, लेकिन आप भाग्य कहाँ बनवाते हैं, नीलम खन्ना पोखराट हीरा अंगूठी माला रुद्राक्ष हैं, अंगूठी रुद्राक्ष के जमाने गए, इससे कुछ होने वाला नहीं, पहले के लोग बड़े शुद्ध मन से बड़े शुद्ध हुआ करते थे, आचरण से हैं सिद्धांतों से सिद्धांतवादी होते, अच्छा हमारे यहाँ जो है पूजा पाठ को ऋषि मुनियों के नाम पर, ये देखिए जब गर्मी आ जाए ना तो गर्मी में रोएं अपने आप इसके लिए देखिए, प्रकट का नियम, ये देखिए प्रकट का नियम, जाड़ा आएगा तो इनको रजाई कम्बल इनको कहाँ रखता है, ये कहाँ बनाएंगे, अपने आप है रोए इनके बड़े हो जाते हैं, सब जाड़े में उगे हुए रोए हैं, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे रोए अपने आप ही इसके पड़ जाएंगे, ताकि गर्मी में इसको राहत मिले, और जाड़ा जैसे शुरू होगा बारिश के बाद रोए सब बड़े होने लगते हैं, इनका कंबल इनके शरीर पर लग जाता है, जितना कर सके उतना करें आप, तो जरूर नहीं कि आप 10 जानवर के लिए एक ही करें, जो को करें लेकिन कुछ करें, तभी आपकी भाग्य जो है प्रबल होगी, आपके तकदीर में पालिश हो जाएगी, तो महालक्ष्मी गाय की सेवा जो है ये तो माता सरस्वती ने इसकी आरती उतारी है, भगवान राम के जो पूर्वज थे उन्होंने सेवा की है, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया, लेकिन कृष्ण का नहीं किया, जन्माष्टमी आप मनाएंगे झांकी सजाएंगे हजारों रुपया फूकेंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने किया है, भगवान को बेवकूफ करें, इसलिए गाय की सेवा किया करते, आप बड़े अकलमंद हैं, कोई मुसीबत हो संकट हो मुकदमा हो परेशानी हो गाय की सेवा कीजिए, शत्रु आपका जो है वो ऐसा मुँह की खाएगा, वो जैसे कि मेनका गांधी के ऊपर लोग इस समय उनके अरुण के ऊपर है कोई रासुका लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे ये मत भूलो कि मेनका जी के झोली में कितने पुण्य हैं, विश्व की पहली महिला है वो, जितना पूर्ण कमाया
पशु सेवा के नाम पर करोड़ों जानवरों की और उद्धार हुआ उसकी वजह से राहत मिली जानवरों की, उसने वकालत की मेनका जी के ऊपर या वरुण गांधी के ऊपर, कोई चाहे कि हम उसे नीचा दिखा दें, उसका अहित कर दें, अहित करने वालों का ही अहित पहले हो जाए। कोई नेता जी रहे रोलर चलवा रहे, मैं तो होता मैं रोलर चलवा देता वरुण गांधी पर, उनके ऊपर खुद ही रोलर चल गया और तीनों दिन के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ 3, 6, 9, 12 हर अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रतिफल जो है वो इन्हीं अंकों में आता है। 3, 6, 9, 12 वो दिनों में हो सकता है, वो महीनों में भी हो सकता है और सालों में हो सकता है। इनका नाम ही रख दिया पौना। हमारी नातिन जो है भानी, उसने हमसे कहा कि नाना देखो पौना आ गई, करने का था चलो और भी काम करने जा रहे थे, लेकिन उनका अब आ गई है तो थोड़ी सेवा कर दे, उसने खा पी लिया थोड़ा भूसा और डाले दे और खा लिया, हो गई गैस के थोड़ा थोड़ा अगर किया जाए तो बहुत पूरे भजन में से। मेरे पास इतना समय नहीं कि इनको हम बांध के नहलावें क्या क्या है, फिर बंधन भोज रुक जाएगा। अभी इतना बड़ा गार्डन है फुलवाड़ी गीतांजलि गार्डन, इसकी सेवा हजारों पेड़ पौधे माए माए अकेले करने वाला, मैंने तो पूछा ला के दिए सूखा भूसा है, अब इसमें कुछ मिला देंगे जरा सा तो वो खाने लगे। यही तना था धान की भूसी का, 3 रुपए किलो मिलता है, सीजन में 2.5 में मिलता है, मिला दिया आराम से खाने में, पानी पिएगी आशीर्वाद देगी, गौ माता का आशीर्वाद ले, बाबा जी का और पंडित जी का आशीर्वाद में कोई दम नहीं रह गया। कौन पंडित जी कौन बाबा जी, जो सेवा करे वही पंडित, जो सेवा करे वही बाबा है। लेकिन मेरा अंधा समाज वो देखेगा बाबा जी की जटा कितनी बड़ी है, माला कितने कितनी संख्या में पहन रखी है, भौकाल देखेगा बाबा का, कार्य नहीं देखेगा बाबा जी खुद से क्या करते हैं। इसलिए कि परंपरा सी चली आ रही, पोशाक की पूजा करो, भेष की पूजा करो, कर्म की पूजा मत करो, नहीं कर्म मत करो बाकी सब करो, यही सत्कर्म है, वही कुकर्म है जो हम किसी को तकलीफ देते हैं, बेईमानी से, छल से, कपट से, या किसी के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कल ऊंच गांव जो उन्नाव जिले में है, वहां के कार्यक्रम में मैं गया था, सम्मान था मेरा ऊंच गांव बियाबान जंगल, यहां से लालगंज, लालगंज से भोजपुर, वो सरेनी, सरेनी से भोजपुर, भोजपुर से ऊंच गांव, रायली जिला छूट जाता है, उन्नाव शुरू होता है। चलते चलते हमारे साथ में स्कूटर मोटरसाइकिल से हमको एक गुलजारी शाह जो होटल वाला है बेचारे लेके गया था, मोहन मौर्या ने अपनी गाड़ी दी थी, तो रास्ते में कहे बाबा ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल जंगल ऐसा है, देहात है, ना कोई गांव ना आबादी। हमने कहा चलो भाई हम पहली बार जा रहे हैं, देखो क्या होता है, बुलाया है उन्होंने, जाना ज़रूरी है। कहा जैसे हम गाँव पहुँचते हैं
तो देखते क्या है कि इतना अफवाह आयोजन, इतना टेंट कामयाना कैम, तीन तीन कैमरे। ठीक, हमको लगा जैसे मैं दिल्ली में आ गया हूँ और शायद राष्ट्रपति आने वाले हैं। इतना भव्य आयोजन उस छोटी सी जगह पर, और वहाँ के प्रबंधक चंद्रिका सीपी मिश्रा, चंद्रिका प्रसाद मिश्र नाम, बहुत सज्जन आदमी। वहाँ के प्रधानाचार्य तो बड़े सज्जन, बड़ा अवभगत किया हमारा, हमसे बोलने का हमें मौका भी दिया। तो थोड़ी देर हम बोले क्योंकि हमको वापस आना था। वापसी में बल्ब ऐसे ऐसे जगह हमारी गाड़ी की ख़राब हुई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया था कि मुकाम, जैसे मैं लालगंज आया तो बच्चे उसका बल्ब ख़राब हो गया। वहाँ के मिस्त्री ने 8 रुपये के बल्ब के कितने चार्ज किए, 25 रुपये बल्ब उसने लगाया, 25 रुपये 50 रुपये उसको देने पड़े। बब्बी नाम है उसका, लालगंज में है। हमने उसको बताया भी, लेकिन उसके समझ उसको तो बस नोट दिखा, उसको ये नहीं दिखा कि बाबा जी हैं कि पंडित जी हैं या मजबूर हैं मैं मदद कर दूँ। वो बहुत अंधे लोग हैं, वो सीधे डॉक्टर को दे आएंगे जाकर, वो पैसा कहाँ जाएगा। अरे भाई 8 रुपये का बल्ब है, रात में बाबा जी परेशान हैं, दूर से आ रहे हैं, दूर जाना है, हो सके मदद कर दो, कोई पुराने बल्ब लगा दो कि बाबा जी आप लाइब्रेरी पहुँच जाए ना, 50 रुपये दो भैया। ऐसे ही अंधे लोग अस्पताल में जाकर के देते थे, दवा लाएंगे, मतलब वो पैसा या कुछ नहीं करेंगे, दारू पी लेंगे। शराब पीना जो है एक पैसे का, गलत पैसे का निकलने का रास्ता भी एक शराब ही है। ये रेलवे लाइन है, शराब जो है ये रेल की पटरी है, इसके ऊपर गलत कमाई करने वालों, इसके ऊपर शराब नाम की गाड़ी चलती है। पाप नाम के रेलवे लाइन पर वो शराब नाम की होटल जुआ है, शराब है, इसी में आपका पक्का चला गया। गुड़गुड़ गुड़गुड़ किया, 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको राहत मिली, सारे पैसे आपके चले। यो शराब का उल्टी कमाई करो, इसलिए गलत कमाई मत करो, नमक रोटी खाओ। अब तब ईमानदारी से रहेंगे तभी प्रभु की कृपा आप पर बनी, कभी भाग्य आपका खोटा नहीं होगा। लेकिन मेरा अंदाजा भगवान हमसे नाराज है, तकदीर हमारी फूटी है। क्यों तकदीर फूटी है भाई? तकदीर फोड़ने वाले और जोड़ने वाले बनाने वाले आप ही तो हैं। मनुष्य बने रहो, मनुष्य बन करके कार्य करोगे, कभी तकदीर नहीं फूटेगी, कभी तकदीर खराब नहीं होगी। असंभव संभव में बदल जाएगा। हम तो न कमाए न धमाए न नौकरी न चाकरी, लेकिन हमारा काम चल रहा है, कहीं मांगने भी नहीं जाते, फिर रसीद बुक लेके घूम रहे हैं या किसी के सामने हाथ फैला। ऑटोमेटिक हमारे पास उसकी व्यवस्था होती है अचानक। जैसे बल्ब को ख़राब होना था, जब मैं लालगंज वहाँ सरेनी आया तब बल्ब खराब हुआ, सरेनी में बनवाए जैसे तैसे, वहाँ भी ना बिजली अंधेरी रात, खुल खैर बना दिया। लालगंज आए तो फिर बत्ती खराब, तो हमने कहा इसमें नया डलवाओ। तो 8 रुपये का बल्ब 10 रुपये 8 रुपये का रहा होगा, 25 रुपये लगवाई, 25 रुपये बल्ब के दाम चार्ज किए। हमने कहा चलो भैया 50 सही, कम से कम रायबली तो पहुँचेंगे। तो वही ऊँच गाँव का हमने देखा कि छोटी जगह पर इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा विद्यालय का वार्षिक हमने कहीं नहीं देखा। हम तो देख के दंग रह गए कि वारे उन्नाव वारे ऊँच गाँव वारे लोग, कितना पैसा उन्होंने मतलब आयोजन में खर्च किया। तो बता के क्यों, उनके अच्छे संस्कार होंगे। कोई लाल दादा थे शुक्ला जी, उन्हीं की स्मृति में ये उसको मनाया जाता है। भागशाली आदमी होगा कि आज लाल दादा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके न रहने के बाद धन्य है उनके परिवार के लोग, लाल दादा के परिवार के लोग भी धन्य। आज इतना बड़ा आयोजन और प्रति वर्ष होता, अगर दूर दराज का मामला ना हो तो हमने कहा कि हमको तो देखने के लिए आना पड़ेगा। अब बाकायदे वहाँ साल भेंट किया, स्मृति चिन्ह भेंट किया, और
विदाई भी किया प्रधानाचार्य ने। हमने कहा महाराज ये कोई जरूरत तो है नहीं। कहीं नहीं महाराज, इसके दूर से आप आए हैं फिर आपका सेवा में लगाइएगा। हमने कहा ठीक, बंद लिफाफे में उन्होंने दिया। हमने कहा चलिए, मेरा सेवा का कार्य है। कल मैं गया था, पत्नी से पैसे लिए थे, पेट्रोल भरवाए थे मोहन की गाड़ी में, 100 रुपये के तेल डलवाए। वापसी में लालगंज में फिर आधा लीटर डलवा दिया। मैंने कहा कम ना पड़े भाई। इसी तरह है, तो कहने का मतलब यह है कि सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा करते रहिए, यही पूजा है, यही घंटी है, यही माला है। और सेवा के साथ साथ अपने विचारों को, अपने मन को शुद्ध रखिए। अगर मन गंदा है तो चाहे जितनी पूजा करो, लेकिन मेरा अंधा समान। हम लोगों को देखते हैं कि महाबेईमान, मन में काला, बिल्कुल मन काला है। और पंडित जी को बुला लेंगे, पंडित जी कहेंगे जाओ गौ माता को लोई खिलाए। पंडित जी को बुला लाएंगे, पंडित जी बताएंगे आम की लकड़ी मंगा लो, धतूरे की लकड़ी मंगा लो, दुनिया भर का आडम्बर, और ये कर दो, और दरवाजे टांग दो, और फलानी माला पहन लो, फलाना जाप करो, कुछ नहीं मिलने वाला। जाप करने से होता तो पंडित जी अपना भला जाप करके स्वयं कर लेते, सारा काम उनका ऑटोमेटिक होता, उनको मांगना ना पड़ता। मांगन से मरण भलो कह गए उदास कबीर, ये कबीर साहब ने कहा, मांगो मत मर जाओ, मांगन से मरण भलो, मर जाना, मांगो मत। कम से कम अपने